हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया की सबसे पहली ऐसी बोलने वाला किताब जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बोलने वाली किताब आज हमारे बीच ये सेब शॉप नाम की कंपनी ने हम लोगों के बीच प्रकाशित किया है। ये एक संपूर्ण हनुमान चालीसा है जिसमें आप इसकी कई अध्याय हैं, कई प्रतियां हैं जो आप कहीं से भी आप इसे सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस बुक पर ही आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट स्पीकिंग बुक, दुनिया की ये पहली बोलने वाली किताब है। और इस किताब के साथ इसके साथ एक और भी चीज़ है, इसका नाम है ज्ञान वज्र। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। पहले इस बुक को हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कैसा इसका पूरा डेवलप किया गया है, किस तरीके से इसको बनाया गया है और इसको चलाने का क्या क्या तरीका है। ये पूरा तरीका से डिजिटल बुक है, एक तरह से हम इसको पढ़ भी सकते हैं और इसे सुन भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों के सामने हम बुक को ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा संपूर्ण हनुमान चालीसा है। इसमें सारे हनुमान जी का जो सारे इनके जो तंत्र मंत्र यंत्र ये सारे जो इसमें गाथा हैं वो पूर्ण संपूर्ण मिलेगा हमें। चलिए दोस्तों, जैसे बुक को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले इस तरीके के कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। और देखिए, ये जो है पूरा इस बुक का ये एक कवर है जिसमें बुक को रखा हुआ है और उसमें हमको ये बुक देखने को मिलता है। और इस बुक में बहुत सारी खासियत है, इस बुक को हम ध्यान से इसके बारे में समझेंगे और हम आपको ये ज़रूर सोचेंगे कि हर एक चीज़ हर एक खासियत इस बुक के बारे में हम आपको ज़रूर बताएं और ज़रूर दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ बुक के बारे में देखते हैं, बुक का इंटरफेस कैसा है, बुक किस तरह से काम करता है और इसमें हमें क्या-क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले बुक को हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए, ये हमारे पूरे ये जो ग्रंथ टाइप है ये गोल्डन कलर का है, बहुत दिखने में सुंदर है, बहुत अच्छा है और इसकी अच्छी खासी वेट भी है, आप इसे देख सकते हैं। और ये आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये सेब शॉप कंपनी के नाम से इसे प्रकाशित किया गया है। ये सेब शॉप कंपनी ही इसको मार्केट में लॉन्च किया है। और आप इस बुक को अब हम आपको इस बुक के बारे में और भी बहुत कुछ खास चीज़ बताने वाले हैं। पहली बात तो ये बात करें कि इस बुक की डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, इसे जो कोई भी देखेगा इसे बहुत जल्दी ऑर्डर करने को सोचेगा, बहुत अच्छी बुक है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसा ये एकदम गोल्डन कलर का लाइट आ रहा है इसमें, ये बहुत अद्भुत बुक है। और ये बुक तो दिखने में अद्भुत है ही और इसके बावजूद इसकी जो बनावट है, ये जिस तरीके से बनाया गया है वो भी बहुत अद्भुत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस बुक के डब्बे को हटाते हैं और बुक को खोल कर देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, कैसा इसका इंटरफेस देखने को हमें मिलता है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इस बुक के साथ साथ अंदर नीचे हमें एक ये पूरा एनिमेटेड बाल हनुमान भी देखने को मिलता है, जिसमें इसमें एनिमेटेड हनुमान जी का बहुत सारे इमेज पिक्चर और यहाँ भी कुछ उनके श्लोक और उनके बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। ये एक पूरी तरीके से कार्टून की तरह बनाकर दिखाया गया है और इसमें भी हमें श्लोक मिल सकता है और मिल रहा है। और यहाँ उनकी पूरी ये जो है पूरी उनकी ये गाथा इसमें भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा ये छोटा सा एक बाल हनुमान जैसा है, ये कंपनी ने इसमें डाल रखा है। और उसके बाद हमको मिलता है ये
संकल्प फॉर्म, इसमें एक संकल्प फॉर्म दिया हुआ है, इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ इसमें फिलअप करना है और इस व्हाट्सएप पे इसे भर के इसको शेयर कर सकते हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पे। ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस कंपनी को, ये शायद वो चीज़ है जो कंपनी मांग रही होगी कि हमारे इस तरह के कितने यूजर्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस चीज़ में मतलब उनको दिलचस्पी है या ऐसा कुछ उनको लेने में अच्छा लगता है या पढ़ने में अच्छा लगता है। उसके बाद एक यहाँ पर एक और चीज़ है, ये हम जानते हैं ये हमारी जो बुक है ये पूरी तरीके से डिजिटल बुक है, तो इसलिए इसके साथ साथ एक वारंटी कार्ड भी मिला हुआ है जो एक साल की होती है कंपनी की तरफ से। और इस वारंटी कार्ड से अगर थोड़ा सा भी कुछ बुक में हमें कुछ फॉल्ट या कोई भी तरह का दिक्कत दिखाई दे तो हम इस वारंटी कार्ड की सहायता से हम इस बुक में कुछ भी हेरा फेरी कर सकते हैं या हम कंप्लेन कर सकते हैं, बुक को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें है। और एक और चीज़ है जो इसमें ये थोड़ा गेम टाइप पे दिया हुआ है, ये ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, इसकी कोई महत्व नहीं है, ये बच्चों के लिए खेलने वाला गेम है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हनुमान जी का, ये एक तरफ है, एक तरफ श्री राम जी हैं जिनको एक तरफ हनुमान जी को राम जी के पास ले जाना है। तो ये थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कलर में, इनको कलर कर देना है। तो दोस्तों बुक के साथ साथ हमें इतना चीज़ देखने को मिला, बुक के साथ साथ इतना चीज़ है। और ये हमारी बुक है और बुक के साथ ये जो सबसे मेन चीज़ है जो हमारा ये ज्ञान वाजरा है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लें ये क्या चीज़ है। तो इसको हम ध्यान से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें ये एक गदा जैसी मिलता है, इसका नाम ज्ञान वाजरा है और इसमें बहुत सारे खासियत हैं, जैसे आप इसे देख सकते हैं, जैसे इसमें स्पीकर लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे ये बहुत हाईली एक सेंसर है जो किसी भी तरह के टेक्स्ट या इमेज को, पूरी बुक में जितने भी तरह के इमेज हैं, टेक्स्ट हैं, उन सारे को यही सेंसर रीड करता है। और ये सेंसर ये भी पता कर लेता है कि वो सारे टेक्स्ट और इमेज को मतलब किस लैंग्वेज में पढ़ना है, वो सारा भी यहीं से हो सकता है जिस लैंग्वेज के टेक्स्ट पर आप इसको मतलब रखेंगे इस तरीके से, उस तरह से ये काम करेगा। हम वीडियो में आगे बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। और इसमें देखिए यहाँ पे हेडफोन भी है, आप इसे हेडफोन में लगाकर भी सुन सकते हैं। और यहाँ पे इसका चार्जर है, ये यहाँ पे इसका चार्जर है, केबल है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या फंक्शन है, ये तो हमारा सबसे पहला बटन हो गया, ये ऑन ऑफ का बटन हो गया। दूसरा ये जो म्यूजिक का बटन है, ये हमारा स्टोर किया हुआ म्यूजिक है, जैसे हमारे पास इस गदे में अगर पहले से कोई म्यूजिक है तो इससे हम सुन सकते हैं। तीसरा जो फंक्शन है, रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम है इसमें, अगर किसी श्लोक को, कोई भी अध्याय को अगर हम सुन रहे हैं इसकी मदद से, इसमें अगर बज रहा है तो हम उस अध्याय को यहाँ से हमेशा के लिए इस रिकॉर्ड बटन को टीप कर और यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्लस माइनस का, ये वॉल्यूम का बटन है, बढ़ाने घटाने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये इस पूरे गदे के बारे में हमको जानकारी हम आपके पास दिखा दिए और यही इसका पूरा मेन चीज़ है, ठीक है। और दोस्तों इस गद्दे को देखिए यहाँ पे रखने के लिए यहाँ इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, इसका स्टैंड, जो कि ये बहुत खूबसूरत है, इस पे इस गद्दे को रीड करके हम इसमें रख सकते हैं। आगे इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से ये काम करता है और इसको हम इस गद्दे को इस पर रख सकते हैं ऐसे। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है इस बुक का, इसमें इतना चीज़ है। तो चलिए दोस्तों अब हम पूरे बुक के बारे में जानते हैं कि इस बुक को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारे चीज़ हम हटा लें, उसके बाद बुक को हम खोलेंगे और आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारे जो बुक है, इस पूरे डब्बे को
ये डब्बा आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर इसको भी बनाया गया है। तो ये रहा हमारी बुक, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इस बुक को हम खोलेंगे। सबसे पहला पृष्ठ है जो पूरी तरीके से चित्र में बनाया गया है, और इस बुक में बहुत सारे चित्र दिए गए हैं जो रामायण के पात्र से जुड़े हुए हैं, और इसमें हनुमान जी की भी चित्र है, कई सारे चित्र हैं। और हर चित्र को, किसी भी चित्र को इस पेन की मदद से किसी भी चित्र को हम इसे छूकर उस चित्र में दिए गए कुछ जो उसमें ध्वनि है, उसमें इस चित्र के अंदर जो कुछ उसमें जो शब्द डाले गए हैं, जो मतलब उसका जो इस पेन की मदद से हम इस चित्र में जो कोई भी श्लोक या उच्चारण डाले गए हैं उसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ये कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बटन को, स्टार्ट बटन को हम पहले प्रेस करके इस बुक को ऑन कर लें। तो आपके सामने ये हमारे जो ये गदा जैसा है इसके, ये ऑन हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हम इसको यहाँ इस स्टैंड पर रख सकते हैं। और अब हम इस बुक को खोलें। जैसे ही इस बुक को खोले हुए हैं अभी, तो इस बुक में देखिए, सबसे पहले ये जो पहला पृष्ठ है इसमें इस तरह का इंटरफेस दिया हुआ है, या इस तरह का चित्र दिया हुआ है। आगे जो ये पेज है इस तरह का है, ये इस पेज की बहुत अच्छी बनावट है। ये पूरा पेज देखिए सिल्वर कलर का चमक रहा है, बहुत मोटा पेज है, बहुत अच्छा पेज है। ये पूरा तरीके से ये डिजिटल पेज है। इस पेज में बहुत सारे चीज़ या कोडिंग छिपे हुए हैं जो हमें दिख नहीं सकते हैं, सिर्फ वो इस सेंसर को दिख सकता है, और ये सेंसर ही उसे पहचान सकता है और रीड कर सकता है। और ये किताब अलग अलग भाषाओं में भी बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलता है, संस्कृत में बोलता है। इसमें कई भाषाएं, इसमें 9 भाषाएं का जिक्र है। शायद हम इसे 9 भाषा में हम इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे ये हमें पहला चित्र मिला, इसको टच करके देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें मिल रहा है कि नहीं। तो ये हम इस गदा को ऑन कर लिए हैं, और यहाँ पर देखिए आपको बिना कोई बटन दबाए यहाँ पे टच कर रहे हैं, ऐसे किसी भी चित्र के पास यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो ये जो पहला पृष्ठ है, हम यहाँ पे इस पहला पृष्ठ में कोई हमें इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा और दूसरा पेज है, इस तरीके से बनाया गया है। और हम आपको बता दें कि यही वो कंपनी है सेबशॉप जिसने इस बुक को प्रकाशित किया है। ठीक, ये बहुत ही एनिमेटेड बुक है, पूरी तरह से चित्रकारी किया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा देखिए, ये खुद ही अपने आप चालू हो गया जैसे ही हम पृष्ठ के पास पहुँचे। और अब इस गधे को हम इस पृष्ठ पर ड्रॉप करते हैं। देखिए, बजाकर इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं, किसी भी पृष्ठ को छूकर उसे हम साइड में इस स्टैंड पर रख सकते हैं, वो आगे बजते रहेगा। हर चित्र में कुछ ना कुछ ध्वनि को सेव किया गया है। किसी भी चित्र में हम इस गधे को, हम सेंसर को यहाँ पे टच करते हैं, तो उसमें जो ध्वनि है, उसका जो उच्चारण है, बहुत प्रकार के इसमें चित्र हैं, और बहुत प्रकार के हमको उच्चारण या श्लोक सुनने को मिल सकता है। जैसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे दूसरा चित्र हमको ये मिला है बुक के अंदर से, इसको देखते हैं इसको क्या है। इस चित्र में देखिए, तो इस तरह का इसमें धुन दिया हुआ था। हम आपको फिर से दिखाते हैं, ये देखिए पूरे तरह के से हम इसको पकड़े हैं, ऊपर से मान लीजिए पकड़ लेते हैं, और सिर्फ इसको टच करते हैं नीचे बुक में, ये खुद बजने लगेगा। इस चित्र के अंदर जो भी धुन होगा वो आपके सामने बजने लगेगा। देखिए, महावीर विक्रम बजरंगी घूमते निवार
इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जिस पेज पर या जिस इमेज पर आपको इसको रखना है, इसको सेंसर को, वहाँ से बजने के लिए ये शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे और देखते हैं और आगे हमको क्या क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे ये जो एक गदा है, इस पूरा गदा का यूजर मैनुअल रखा हुआ है। इसमें सारे वो फीचर जो आपको हम पहले बता चुके हैं वही फीचर है, इसमें सारे चीज़ बताया हुआ है कि कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं और आगे भी बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको अब हनुमान, ये संपूर्ण हनुमान चालीसा का यहाँ पे पूरा चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पूरे बुक में कितना चैप्टर है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे पहले इस चित्र को देखते हैं, इस चित्र को हम टच करके देखते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल रहा है कि नहीं। देखिए जिस तरीके के हम चित्र देख रहे हैं, हमें उसी तरह के श्लोक भी या उस तरह के धुन को भी हमें सुनाई दे रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। उसी तरह से ये देखिए दोस्तों, ये हमें यहाँ पे चैप्टर, ये सारे जो चैप्टर हैं इस बुक के अंदर, ये सारे चैप्टर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो है ये लैंग्वेज कोडिंग है, ये लैंग्वेज कोड है, इसमें बहुत सारे भाषाएँ हैं, उसमें आप जो भाषा है हिंदी इंग्लिश संस्कृत आप इसे पढ़ सकते हैं। जिस भाषा के कोड पे आप टच करेंगे इसे तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, ये जैसे ये जो चैप्टर 1-2 दिया हुआ है, यहाँ से अगर आप यहाँ टच करेंगे इस चैप्टर के यहाँ इस डॉट पे, तो आपको ये पूरा चैप्टर ही, आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरा चैप्टर ही आपको एक ही बार में सारा सुनने को मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ से देखिए, यहाँ से एक टच इस पे करें और ये हमारा चालू हो गया। और यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से इसको आराम से यहाँ पे रख सकते हैं और ये पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में जो जो भी उल्लेख किया गया है वो सारा हमारे इस गदा खुद ही खुद सुना देगा। ये घर में बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, और इसलिए कंपनी ने इस तरीके से इसे बनाया है कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या जिसकी आंखें कमज़ोर हो, चश्मा लगाता हो या छोटे छोटे अक्षर नहीं दिखते हों, उनके लिए यह बहुत आसान है। हमारे घर में मताएँ होती है, बूढ़ी मताएँ होती है, उन्हें यह सारा चीज़ बहुत मतलब पसंदीदा होता है। इस तरीके का बुक को पढ़ना या हनुमान चालीसा पढ़ना तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि ये कितना लाभदायक है। तो अभी जो इस कोड पे हम टच किए हैं, तो ये अभी ये चैप्टर इंग्लिश में चालू हुआ है, अब आपको दिखा रहे हैं वहीं पे इसी चैप्टर को हिंदी में करके। अब यहाँ से उठाते हैं और इस बगल वाले डॉट पर अब डॉट करते हैं। देखिए जैसे ही हम किए, यहाँ पे हिंदी में शुरू हो गया है। त्रेता युग में हुआ 5114 BC में श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम चैप्टर 1 पे इस डॉट पे शुरू किए हैं, तो यानी कि ये जो डॉट है ये हिंदी का कोडिंग है। इस पे छूते हैं ये पूरा चैप्टर 1 शुरू से लेकर लास्ट, यानी कि चैप्टर 1 में जितना भी उल्लेख है वो सारा अब आराम से सिर्फ हमें सुनना है, एक टच करना है और ये सारा चैप्टर इस गधे ने हमें सुना देगा। रामनवमी के दिन को श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से कई उल्लेख हैं, इसमें कुल मिलाकर यहाँ पे 13 यानी कि 13 चैप्टर्स हैं जो अलग अलग इनकी पूरी जो इसमें वर्णन किया गया है उनके हिसाब से इसको बांटा गया है। अब दोस्तों आगे इसको देखते हैं, थोड़ा आगे क्या मिलता है। अब देखिए आगे ये कितना अच्छा, ये एक इमेज इसमें मिलता है और इस पेज को देखिए, बहुत अच्छा से पेज इसको डिजाइन किया गया है, बहुत मोटा पेज है, अच्छा पेज है। अब इसे इस चित्र को हम आगे टच करके देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिलता है।
तो दोस्तों हम आपको पहले ही बताए थे कि जिस तरीके का हमको चित्र देखने को मिलेगा उसी तरह के उस चित्र में के अंदर कुछ मतलब जो वर्णन है उसी तरह का मतलब कुछ हमको उच्चारण भी सुनने को मिलेगा। अब यहाँ पे इस लाल रंग के हनुमान जी को देखकर इसमें जो बज रहा है वो भी इसके अंदर कुछ धुन इसी तरह का है। जैसे देखिए फिर से कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हमें भी बहुत अच्छा लगा था इस पूरे बुक को देख। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं और क्या है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी उन सारे चैप्टर्स को वर्णन किया गया है, यानी कि 13 चैप्टर था हमारा, 13 चैप्टर था इसमें, 13 चैप्टर हैं उसमें। और एक चीज़ बता दें, किसी भी चैप्टर को पूरा सुनने के लिए, एक ही बार में पूरा सुनने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर पे आना है, इस चैप्टर पे आना है, और जिस चैप्टर को हमको सुनना है और जिस लैंग्वेज में सुनना है बस वहाँ पे एक क्लिक कर देना है। इस तरीके से जैसे आपको हम बताए हैं कि यहाँ से एक क्लिक कर देना है और चुपचाप इसको यहाँ पे रख देना है। वो ये अब गदा आपको सारा चैप्टर का जो वर्णन किया गया है उस चैप्टर में आप आराम से बैठकर कहीं भी सुन सकते हैं। और ये जो गदा है इसके बारे में हम आपको बता दें, ये फुली चार्जेबल है, इसके अंदर बैटरी है, चार्जर है, इसे आप चार्ज कर सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिए उस चैप्टर का ये पूरा बजने लगा और उसी तरह से ये जो लैंग्वेज कोड है आप जिस कोड पे टच करेंगे उस तरह का लैंग्वेज देखने को आपको मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो ये तो आप जान गए एक ही बार में एक चैप्टर को पूरा सुनने के लिए। अब देखते हैं इसको आगे और इसमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए कुछ इमेज है जो इस इमेज में दिखाया गया है, इस इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ अयोध्या शहर को दिखाया गया है और ये जो ट्रैक बना हुआ है इस ट्रैक को यही बताया गया है कि यही वो ट्रैक था जहाँ श्री राम और श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ यही रास्ते, इसी रास्ते के मतलब साथ साथ इसी रास्ते के जरिए यही वो रास्ता है जो रास्ते को पार करके और यहाँ वो रामेश्वरम पहुँचे थे। यहाँ जो हम लोग अक्सर टीवी में देखते हैं कि यहाँ से लंका श्री राम जी गए थे, तो यह वही मार्ग है जो आप देख सकते हैं ध्यान से। आपको इसमें सारा चीज़ जैसे किष्किंधा नगरी को आपको दिखाया गया है कि इसमें कहाँ किष्किंधा नगरी है, पंचवटी कहाँ है, सारा चीज़ को दिखाया गया है, और अयोध्या कहाँ है, चित्रकूट कहाँ है, ये सारा चीज़ बताया गया है। और इस यही वो मार्ग था जिस मार्ग को पकड़कर श्री राम जी ने यहाँ लंका में प्रवेश किए थे। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे इसमें एनिमेटेड चित्र हैं जिसको आप देखकर मतलब अब देखिए यहाँ पे चैप्टर वन मिला। तो दोस्तों आप यहाँ पे अब यहाँ से देखिए हमारा ये जो चैप्टर वन है यहाँ से शुरू होता है, जो आपको वहाँ पे पहले बताया था कि वहाँ पे एक टच करिए और ये जो पूरा आपका चैप्टर वन है ये शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिश में भी यहाँ पे पूरा ये जो है चैप्टर वन इंग्लिश में है। ठीक, यहाँ पे बगल में है जो वही चीज़ हिंदी में है, पूरा आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। और उसी तरह से ये पूरा इनके बहुत सारे इसमें ब्यौरा दिया गया है, मतलब बहुत सारे इसमें चीज़ बताए गए हैं उनसे रिलेटेड, राम से रिलेटेड, हनुमान जी से रिलेटेड, यानी कि बहुत सारे इसमें चीज़ हैं। और हर जो मतलब चित्र है आपको मैं पहले ही बताया है कि हर जो चित्र है उसको आप टच करें तो मतलब आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस बुक को यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि मतलब इस बुक को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हर इमेज में कुछ ना कुछ साउंड छिपा हुआ है, किसी भी इमेज को हम छू सकते हैं और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें सारा व्याख्या है, बहुत सारे इसमें मतलब चीज़ है उनसे रिलेटेड,
जैसे यहाँ पे देखिए अगला इमेज जो मिला हमको, इसको टच करते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो बटन है, तो ये भी बटन, ये ऑन ऑफ का है, ये म्यूजिक का है, आप देख रहे हैं इसमें। बाकी ये जो सारे इसमें जो कंटेंट हैं, उनको जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे आपको जो ये जो अध्याय देखने को आपको मिल रहा है, दिख रहा है, इस किसी भी दोहा पर या किसी भी अध्याय पर सिर्फ एक टच कर देना है, ये पूरा आपको बोल कर सुना देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पर हम टच कर रहे हैं, इस पर हम टच कर रहे हैं, जब श्री राम राज्य पर शासन कर रहे थे तब न तो विलाप करने वाली विधवाएं थीं और न ही जंगली जानवरों का। इसी तरह से किसी भी टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट पर आप इस सेंसर को टच करें, उस टेक्स्ट को ये बोल कर सुना देगा। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट है, इसको हम टच कर रहे हैं, The air was fresh and cool. The trees were laden plenty of fruits. There was no natural. किसी भी, जैसे यहाँ पे हिंदी में है, राम राज्य, और ये श्लोक है, न पर्य देवन व देवानत्व चालकृतं भयम् नव्याधिजिम भयन्वा परिमेराज्यम प्रशासति। किसी भी श्लोक को आप टच कर सकते हैं, ये संस्कृत में था, और यहाँ पे देखिए नीचे हिंदी में है, जब श्री राम राज्य पर शासन कर रहे थे तब न तो विलाप करने वाली विधवाएं थीं और न ही जंगली जानवरों का और न ही बीमारियों का भय था। उसी तरह से नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको अगर इंग्लिश वाले पे टच करते हैं, कहीं भी इस लाइन में कहीं भी अगर टच कर देते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे टच कर दिए हैं, तो आपको पूरा लाइन में कहीं भी, ये जैसे अभी हिल रहा है आराम से, हम एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं इसलिए हम आराम से, आप टच करिएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऊपर से, आप इसको टच करें, देखिए इंग्लिश वाले पे टच हो गया, देखिए। जैसे ये सारा जो वर्ड दिया हुआ है, इसमें आप कहीं भी टच करिए, आपको ये बोल कर सुना देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, भक्ति, दीर्घायु, किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ पे टच करा सकते हैं और आपको उस टेक्स्ट को बोल कर ये सुना देगा। जैसे यहाँ पे पेज नंबर ही क्यों ना हो, यहाँ पे आप पेज नंबर नीचे देख सकते हैं, इसको भी हम टच कर सकते हैं, पेज 29 देखिए। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी तरीके के टेक्स्ट को ये हमें बोल कर सुना देगा। और आगे आपको बता दें कि इसी तरीके से, मतलब किसी भी अध्याय, पूरे बुक, ये जो इतना बड़ा मोटा बुक है, आपको बताने लगेंगे तो बहुत सारा इसमें, बहुत चीज़ है इसमें, देखिए अलग अलग बहुत सारे पिक्चर हैं। उसी तरह से यहाँ पे इनका जो गाथा है, ये इसमें जो श्लोक है, जैसे यहाँ पे एक चित्र देखने को मिला, इस चित्र पर हम छूते हैं, देखिए, और एक चित्र है यहाँ की, यहाँ पे ये माता जी यहाँ पे पूजा शायद कर रही हैं, इसमें देखिए हमको क्या सुनने को मिलता है इस चित्र में। ये लग रहा है हमें कि पूजा करने की ये धुन है, वही हमको सुनाई देने लगा और वही सुनने को मिल रहा है। इस तरह से आपको बताया है कि जितने भी सारे, जितने तरीके के चित्र हैं, उसी तरह के उसमें आवाज़ या धुन दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ये संस्कृत में, जैसे ये जो श्लोक है, इसको हम छूते हैं और देखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सिर्फ एक बार इसको छूए और छूकर इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, और माता सिया सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया, तो वहीं दूसरी ओर आपने
विकराल भयंकर रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण हुआ। तो इसी तरह से दोस्तों, ये जो बुक है ये बहुत मोटा बुक है और इसमें कई सारे बहुत सारे इसमें अध्याय और चित्रण देखने को मिलता है। और आप इस बुक को सेफ शॉप मार्केट से खरीद सकते हैं। ये जो ऑनलाइन कंपनी है सेफ शॉप मार्केटिंग का कंपनी है, वहाँ से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और इस बुक की कीमत 10,000 रुपये है और ये पूरे तरीके से डिजिटल बुक है। इसकी वारंटी भी है और आप इसे कहीं भी पूरे देश में कहीं से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको इस ऑर्डर करने की सारी जानकारी हम वीडियो में ही दे देंगे और सारे आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे आगे। इसी तरह से इस बुक का ये सारे जो आप बुक देख रहे हैं, इसकी बनावट देख रहे हैं, यही वो बुक है। ये सेफ शॉप कंपनी की तरफ से इसको प्रकाशित किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों इस बुक को आपको देखने के लिए और जानने के लिए इस बुक के बारे में। तो इसी तरह से ये जो पूरा हमारे बुक के ये जो दो सेट हैं, ये एक जो मेरा बुक है जिसको आप देखकर पढ़ सकते हैं, अपने खुद से पढ़ सकते हैं इसको। अगर कोई अंधा आदमी है या जिसकी आंखें कमज़ोर हैं या जो सुनना चाहता है, तो कंपनी ने उसके लिए ये खास चीज़ बनाई है कि किसी भी बूढ़े आदमी को, किसी भी बूढ़ी माताएं को, इनके लिए ये बहुत कारगर चीज़ है, जिसके लिए ये कंपनी ने इसे डेवलप किया है। और इसी वो टेक्नोलॉजी, यही वो किताब की खासियत है और इसकी ही ये जो 10,000 रुपये है, इसी टेक्नोलॉजी और खासियत की दोस्तों कीमत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी दोस्त को ये अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे उस कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप इस बुक को आसानी से खरीद सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से हम आगे भी इसी का, जैसे ये संपूर्ण हनुमान चालीसा है, इसी तरह के हमारे पास सेम इसी तरह का फ्यूचर वाला हमारे पास भागवत गीता भी मौजूद है, उसका भी एक वीडियो है इसी कॉन्टेक्ट पर, वो भी आपको मिल सकता है। वो भी सेम है, सारे गीता का जो 18 अध्याय है उसमें आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से चित्रण देखने को मिलेगा और इसी तरह से पूरा अध्याय और एक एक श्लोक को सुनने को भी, इसी गदा जैसे उसमें भी एक यंत्र है जिसकी सहायता से आपको मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अच्छा है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस तरह के रिलेटेड वीडियो, आप ही सारे वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे और आपको नई नई जानकारी, नई नई कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरे लिए इतना वक्त देने के लिए।